दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर काफी ज्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने 3 महीने पहले जिस सरकटे को जमीन में दफन किया था वो अभी 2 दिन पहले निकल चुका है और वो अभी तक 5 लोगों का सर काट चुका है, जिसमें गुल्ली बुल्ली का दोस्त केविन भी शामिल है। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली मुझे सरकटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने हमारे दोस्त केविन को मार डाला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे दोस्त सोन को भी मार डालेगा। पता नहीं कैसे उसके दोनों पैर वापस से जुड़ गए हैं। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, ठीक बोल रहे हो बुल्ली, मुझे भी सरकटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो हम लोग उस जंगल में 10-20 गुंडे मवालियों को लेकर चलते हैं और उस सरकटे को काट कर जलाकर मार डालते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी सोन वहाँ पर अपना फटफटिया लेकर वहाँ पर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोन को देखते ही गुल्ली बुल्ली के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी बुल्ली बोलता है, ये देखो आ गया सबसे बड़ा गुंडा मवाली टाइप का आदमी जो कि पास छोड़कर दुश्मनों को खत्म करता है। ये सुनकर तो सोन को गुस्सा आ गया। वो बोलता है, बुल्ली मैं तुम्हें पास छोड़कर यहाँ पर मारने के लिए ही आया हूँ। गुल्ली बोलता है, सोन हम तुम्हारे पास छोड़ने से पहले ही मास्क लगा लेंगे। और तभी सोन बोला, ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ मिलकर सरकटा को जलाकर खत्म करने के लिए आया हूँ। उसने मेरे पड़ोसी का भी सर काट कर मार डाला है, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए तुम लोग अभी मेरे साथ जल्दी जंगल में चलो। तभी गुल्ली बोलता है, ये काम हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे सोन, तुम्हें पता है ना वो बिना पैरों के भी हम लोग के लिए कितना बड़ा मुसीबत बन चुका था और अब तो उसका पैर भी आ चुका है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा ही आइडिया सही होगा, 10-20 गुंडे मवालियों को लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तब हम उसे आसानी से मार पाएंगे। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, नहीं गुल्ली ये सब करने में हमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, मैं तो बोलता हूँ कि हमें बाबा के पास जाना चाहिए, बाबा उस सरकटे को आसानी से जला डालेंगे। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली और सोन को ठीक लगता है और वो दोनों बुल्ली के साथ बाबा के घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और जीप में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। बुल्ली जीप की स्पीड को बढ़ा देता है और वो सब लगभग 10 मिनट में ही बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बुल्ली जीप को साइड में लगाता है और तीनों जीप से उतरकर बाबा के पास जाने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि बाबा कसरत करने में लगे हुए हैं। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 पुशअप करने के बाद बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली और सोन से पूछते हैं कि क्या हुआ। गुल्ली बुल्ली, सोन तुम आज हमारे घर पे क्या करने के लिए आए हो, क्या मुझसे कोई काम है क्या या फिर कुछ और। ये सुनकर तीनों लोग बाबा को सारी बातें बताते हैं कि कैसे सरकटा फिर से जमीन से निकलकर सारे लोगों को मार रहा है और उसने हमारे दोस्त केविन और सोन के पड़ोसी को भी मार दिया है, इसलिए हम उससे बदला लेना चाहते हैं और उसे मारने के लिए हम आपके पास आए हैं। सारी बातें सुनकर बाबा बोलते हैं, तुम लोग की डरने की कोई जरूरत नहीं है, पिछली बार मैं नहीं था लेकिन इस बार मैं सरकटा की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर बाबा अपने घर के अंदर चले जाते हैं और ये तीनों भी उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आते ही इन तीनों को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये लोग देखते हैं कि बाबा के घर के अंदर तो एक से बढ़कर एक बंदूकों और बारूदों से भरा हुआ है और फिर ये लोग दो दो AK-47 ले लेते हैं और जीप के अंदर बैठ जाते हैं और फिर बाबा गाड़ी के बोनेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर बुल्ली गाड़ी को स्टार्ट करता है और सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद ये सारे जंगल में आ जाते हैं और गाड़ी को एक जगह लगाकर उतर जाते हैं और फिर ये सभी सरकटा को ढूंढने लगते हैं। इन लोगों ने एक एक बंदूकें ले रही हैं जिससे अगर सरकटा इनके सामने आए तो ये लोग उसे देखते ही भून डालें, लेकिन सरकटा इन्हें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वो किसी और शिकार को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं जल्द ही वो यहाँ भी आ जाएगा। कहाँ है रे सरकटा, कहाँ है तू, किसके आप छुप के बैठा है, जल्दी आ, मैं तुझे ढूंढने के लिए बेकरार हूँ। अरे मैया रे, और तभी सोन के सामने सरकटा आ भी जाता है। सोन जैसे ही सरकटा को देखता है वो अपना बंदूक निकालता है और सरकटा को भूंज देता है। लेकिन सरकटा को तो इससे कुछ भी नहीं होता। गुल्ली बुल्ली और बाबा भी सरकटा के ऊपर धड़ाधड़ गोलियों से फायरिंग करने लगते हैं।
थोड़ी देर में इन सभी की गोलियां खत्म हो जाती है। ये लोग देखते हैं कि सरकटा को तो कुछ गोलियों का असर ही नहीं हो रहा। तभी बाबा को गुस्सा आने लगता है। फिर क्या था, हो गया बाबा का एक्सट्रीम मूड ऑन। और फिर बाबा सरकटा के पास जाते हैं और उसके मेन पॉइंट पर मारकर उसे ढेर कर देते हैं। बाबा की मार से सरकटा दूर जाकर फेंका जाता है। और फिर बाबा सरकटा के चैनसो को उठा लेते हैं और अपनी शक्तियों से उस चैनसो में आग लगा देते हैं। और फिर बाबा उस जलते हुए चैनसो को सरकटा के पिछवाड़े पर फेंक देते हैं, जिससे कि सरकटा भी जलने लगता है और थोड़ी देर में वो जलकर राख हो जाता है। और इसके बाद ये सभी डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शॉर्ट फिल्म? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बेकार लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या आपको बेकार लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।